वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2016 के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फुल स्क्वाड के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टीम ने खेले हुए 16 मैचेस में से 9 मैच जीतकर उस सीजन के रनर्स अप बने थे। आरसीबी के स्क्वाड में रहने वाले बैट्समैन थे कैप्टन विराट कोहली। ये एक राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और 973 रन बनाकर सीजन के हाईएस्ट रन गेटर थे। सरफराज खान ये एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और 5 मैचेस में 66 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए 3 मैचेस में 54 रन बनाए थे। केदार जाधव ये एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और 4 मैचेस में खेलते हुए 42 रन बनाए थे। मनदीप सिंह ये एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और इंजर्ड होने की वजह से वो उस सीजन खेल नहीं पाए थे। रॉयल चैलेंजर्स के पास विकेट कीपर्स थे साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स। ये एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और 687 रन बनाकर टीम के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे। केएल राहुल ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए 14 मैचेस में 397 रन बनाए थे। बेंगलोर के टीम में रहने वाले ऑलराउंडर्स थे वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल। ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। इन्होंने 227 रन बनाए थे और 2 विकेट भी लिया था। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। 20 विकेट्स लेकर ये टीम के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इकबाल अब्दुल्ला ये एक लेफ्ट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। इन्होंने खेले हुए 8 मैचेस में 6 विकेट्स लिए थे। सचिन बेबी ये एक लेफ्ट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। इन्होंने 11 मैचेस में 119 रन बनाए थे। स्टुअर्ट बिन्नी ये एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इन्होंने 63 रन बनाए थे और 1 विकेट भी लिया था। पारवेज रसूल ये एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। इन्होंने 10 रन बनाया था और 1 विकेट लिया था। साउथ अफ्रीका के डेविड वीजे ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। इनको बस एक ही मैच में खेलने का मौका मिला था। आरसीबी के पास रहने वाले स्पिन गेंदबाज थे युजवेंद्र चहल जो कि एक लेग ब्रेक गुगली बॉलर है और 21 विकेट्स लेकर ये टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। साउथ अफ्रीका के तबरेज शमशी ये एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलर है और इन्होंने खेले हुए 4 मैच में 3 विकेट छटके थे। वेस्ट इंडीज के सैमुएल बद्री जो कि एक लेग ब्रेक बॉलर है और इंजर्ड होने की वजह से वो लीग में हिस्सा नहीं ले पाए थे। प्रवीण दुबे ये भी एक लेग ब्रेक गुगली बॉलर है और उनको उस सीजन एक भी मैच में मौका नहीं मिला था। अक्षय करनेवर ये एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है और इनको भी एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था। आखिरकार आरसीबी के पास तेज गेंदबाज थे श्रीनाथ अरविंद ये एक लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और इन्होंने खेले हुए 9 मैचेस में 11 विकेट्स लिए थे। इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ये एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है और इन्होंने खेले हुए 9 मैचेस में 11 विकेट्स लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के केन रिचर्डसन ये एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है और इन्होंने खेले हुए 4 मैचेस में 7 विकेट छटके थे। वरुण एरन जो कि एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है और इन्होंने खेले हुए 8 मैचेस में सिर्फ 2 ही विकेट ले पाए थे। न्यूजीलैंड के एडम मिलने जो कि एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है और उनको बस एक ही मैच में खेलने का मौका मिला था। हर्षल पटेल जो कि एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है और इन्होंने खेले हुए 5 मैचेस में सिर्फ 1 ही विकेट लिया था। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ये एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और इंजर्ड होने की वजह से लीग से बाहर हो गए थे। अबू नेचिम अहमद जो कि एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और उनको उस सीजन खेलने का मौका नहीं मिला था। विकास टोकस ये एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है और उनको एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था। विक्रमजीत मलिक ये भी एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है और इनको पूरा सीजन के लिए बेंच पर बिठाया गया था। आरसीबी के स्क्वाड ने अच्छा खेलकर फाइनल में जगह बनाया था लेकिन रनर्स अप भी बन पाए थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आपके हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सा है वो कमेंट कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आखिरकार प्लीज हमारे चैनल क्रिकेट लवर को सब्सक्राइब कीजिए।